नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। क्षेत्रीय कार्यालय केनरा बैंक एटा की द्वितीय तिमाही बिजनेस समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अंचल कार्यालय आगरा के महाप्रबंधक वासुदेव शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस अवसर पर उन्होंने केनरा बैंक के कामकाज की समीक्षा की। इस अवसर पर महाप्रबंधक वासुदेव शर्मा ने बताया कि केनरा बैंक देश की तीसरी सबसे बड़ी बैंक है, जिसका बिजनेस 17 लाख करोड़ से अधिक है। इसकी देश भर में 10,000 से ज्यादा शाखाएं कार्यरत हैं। अंचल कार्यालय में 500 से अधिक और क्षेत्रीय कार्यालय में 68 शाखाएं हैं अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। 68 शाखाएं अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्रीय कार्यालय का 70% व्यापार कृषि क्षेत्र से है। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में हमारा बैंक भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं के लिए सबसे कम ब्याज पर ऋण दे रहा है। इससे प्रधानमंत्री द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में भी किसानों को मदद मिल रही है। इस अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख उमा शंकर प्रसाद ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत 4 जिले एटा, कासगंज, फिरोजाबाद और मैनपुरी आते हैं और 2 जिलों में हम अग्रणी बैंक है। क्षेत्रीय कार्यालय का कुल बिजनेस 4,493 करोड़ है, जिसमें 2,586 करोड़ डिपॉजिट और 1,907 करोड़ ऋण है। उन्होंने बताया कि केनरा बैंक सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत समाज के पिछड़े वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं और विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ऋण दे रहे हैं। हाँ बताइए सर, आज यहाँ केनरा बैंक शाखा समीक्षा बैठक की है, आपने क्या क्या निर्देश दिए हैं? अभी पहले हम केनरा बैंक के बारे में थोड़ा बताएंगे। अभी केनरा बैंक 3rd लार्जेस्ट बैंक हो गया इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंकों में। पिछले साल भी हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिए थे, 20,009 करोड़ का नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और 5,637 नेट प्रॉफिट हमने दिए थे। उसके बाद ये सितंबर क्वार्टर में भी हमारा 1,333 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है। हमारा बिजनेस बढ़कर 17,20,000 करोड़ का हमारा हो गया है। जैसे ही आगरा जो नया सर्किल खोले हैं, उसको भी 1 साल से ज़्यादा हो गया है। हमारा बिजनेस जो 20 में 37,466 करोड़ था, उसमें 4,636 करोड़ बढ़ के 42,101 करोड़ हमारा बिजनेस हो गया। और सितंबर में भी 911 करोड़ का इंक्रीज होके 43,012 करोड़ का बिजनेस हो गया। हमारा आगरा के अंदर 9 रीजनल ऑफिस है, उसमें एक रीजनल ऑफिस अभी ईटा में है। ये ईटा में अभी ब्रांच मैनेजर्स का रिव्यू आज हो रहा है। ईटा रीजनल ऑफिस भी अच्छा सा परफॉर्म किए हैं, वो 3,992 करोड़ से 4,513 करोड़ ईयर ऑन ईयर मार्च 21 से उसका इंक्रीज हो गया है 521 करोड़ का। और सितंबर क्वार्टर में भी उनको 4,667 करोड़ यानी कि 154 करोड़ का इंक्रीज हो गया। सर, खासतौर से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो किसानों को किस तरह के लोन दिए जा रहे हैं अभी हमारा केनरा बैंक जो है इधर ये रीजनल ऑफिस में 4 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ईटा, कासगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, उसमें ईटा और कासगंज का हमारा लीड बैंक है। किसानों के लिए जो हमारा भारत सरकार का स्कीम से वो सभी हमारा बैंक में भी है और सबसे कम इंटरेस्ट रेट में हमारा किसानों के लिए हम लोन दे रहे हैं। उसके अलावा भी जो अभी नया प्रधानमंत्री आवास योजना में भी है और उसका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम्स, उसके भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लीडिस्ट होने के नाके भी और दूसरा डिल्ले में भी हम दे रहे हैं, उसमें कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमारा लोन चल रहा है। एक प्रधानमंत्री जी की योजना थी किसानों की आय दुगनी करने की, तो उसमें बैंक किस तरह से हेल्प कर रहा है किसानों को, लोन दे के, ऋण दे, कैसे हेल्प हो रही है? वो जो है हमारा अभी किसानों के लिए हमको इंटरेस्ट सब्सिडी भी होता है, प्रॉम्प्ट रीपेमेंट के लिए भी उनको सब्सिडी होता है। उसके अलावा उनको 3 लाख तक सब्सिडी की साथ किसान क्रेडिट कार्ड का भी स्कीम्स है और हमारा बहुत ज़्यादा टर्म लोन्स का भी स्कीम्स चल रहा है। और अभी रिसेंटली
वो गोल्ड के ऊपर भी किसानों को हम 3 लाख तक वो कम ब्याज में और उसका सब्सिडी के साथ हम लोन दे रहे हैं।